नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खुरई विधानसभा के माथथोल तहसील में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव, प्रहलाद पटेल और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर ओबीसी और आदिवासी समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। साथ ही दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज जो राहुल गांधी जातिवाद की मशाल हाथ में लेकर देश को जलाने निकले हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कांग्रेस ने अपने लंबे समय से शासनकाल में दलित, पिछड़ों और गरीबों का कितना नुकसान किया है। इन वर्गों की कितनी उपेक्षा कांग्रेस ने की है, यह आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। बता दें कि कांग्रेस ने भारत की संस्कृति, पहचान के चिन्हों को मिटाने का एक जैसा एक षड्यंत्र किया, उसे देखकर सभी को तकलीफ होती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें दलित, पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया। राजभवन में दोनों लोगों ने काम सभा को संबोधित किया और काम सभा के माध्यम से जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, बहुत सारी योजनाएं जनता के बीच में रखी, जनता से आह्वान किया कि देश का विकास की यात्रा चल रही है। इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए देश में डबल इंजन की सरकार बन रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये विकास को आगे बढ़ाए ले जाने के लिए संकल्पबद्ध। इस चुनाव में आपने हमें मध्य प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से अपना आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावी शोर में हमारे संवाददाता उज्जैन के बड़नगर विधानसभा पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र पांड्या के समर्थन में जनता दिखाई दे रही है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र पांड्या ने कमल वाहिनी संयोजक और पर्यावरण प्रकोष्ठ में जिला संयोजक रहे 2013 में बड़ी अंतर से चुनाव जीता था। वहीं पार्टी के लिए कई पदों पर काम भी कर चुके हैं। जितेंद्र पांड्या ने अपने कार्यकाल में चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी के इस बार मध्य प्रदेश में भारी मतों से जीत होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की चर्चाएं होना लाजमी है, क्योंकि इस बार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। वहीं पर इस बार गर्मा गर्मी इसलिए मची हुई है क्योंकि क्या लगता है कि जनता इस बार किसको वोट देगी और किसको जिताएगी, ये तो देखना अब जनता के ऊपर ही होगा। लेकिन इसके साथ हम पहुंचे कार्यालय में है, बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है, पत्रकार के एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है इस बार बीजेपी कौन आएगा? कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत रही है। पूरे मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो अभी आप जिस विधानसभा में पहुंचे हैं, हम लोग पूरी टीम आई हुई है, आपसे मुलाकात हुई है, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में किसका असर ज्यादा है, पड़ना किसका बात? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पांड्या जो है वो अच्छी स्थिति में और अच्छे मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जो जन भावना है, जो आम जनता की, कार्यकर्ताओं की राय है, तदनुसार वो अच्छे मतों से जीतेंगे। कांग्रेस भी सामने है, कांग्रेस तो पार्टी है,
इसलिए राष्ट्रीय पार्टी चुनाव तो लड़ती है। टिकट भी बदला गया, अब ये तो उनका अपना इंटरनल मामला है, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना उनका अपना मामला, किसी को भी दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें राजनीति का किस क्या असर दिखता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखो अपने संगठन के बारे में, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, अपनी रणनीति के बारे में विचार करती है, कांग्रेस अपने बारे में विचार करती है। अब रहा सवाल कांग्रेस ने टिकट क्यों बदला, अब जन चर्चा तो ये है कि भाई लेन देन हुआ तगड़ा, इसलिए बदला बदली हुआ उसमें। तो मध्य प्रदेश में मामा की कई योजनाएं चल रही है, उनको मामा कहते हैं, वो बहने के लिए 1000 रुपए और फिर 1200-1250 रुपए तो 3000 तक की बात चल रही है, क्या लगता है योजना आना जनता के बीच में महिलाओं के लिए? देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने जिन योजनाओं को लागू किया है, मैं खुद संबल योजना बोर्ड का चेयरपर्सन हूँ, मेरे इस बोर्ड में 2 करोड़ लोग हितग्राही है, एक मात्र शक्ति के पेट में बच्चे आने से लगाकर भगवान न करे अंतिम समय तक की इतनी प्रकार की योजना है, और अभी लाडली बहना योजना जो आपने दे 1.25 करोड़ से अधिक बहनों को इसका लाभ मिला है, आने वाले समय में और भी जो बच गई है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि मात्र शक्ति आधी से ज्यादा जो आज वर्तमान में है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और युवा जो जिनको पहली बार मत देने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि सीखो कमाओ योजना जो है उसके तहत 18 साल से ऊपर वाले, ITI वाले और पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, इन सारे लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। क्योंकि कांग्रेस तो कह दिए कि हम भत्ता देंगे बेरोजगारी, हमने तो रोजगार दे दिया, बेरोजगारी भत्ते का प्रश्न नहीं उठता है, और लाखों लोगों को उसमें रोजगार भी मिल गया है, आने वाले समय में और ज्यादा रोजगार मिलेगा। चलिए, सियासती गलियारों में हर जगह अब बीजेपी और कांग्रेस की चर्चाएं हैं, और हम जहां पे पहुंचे थे वर्ण विधानसभा में, यहां पर बीजेपी का असर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जनता से जब हमने बातचीत की तो जनता ने भी यहां पे बीजेपी का समर्थन करने की बात कही है। हमारे साथ बने रहिए RN TV के साथ। जय हिंद, जय भारत। घटटिया विधानसभा 2015 से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय ने बुधवार को चुनाव कार्यालय का शुभारंभ उपाध्यक्ष मार्केट में किया। बता दें कि अपने काफिले के साथ पासलोद, कलालखेड़ी, लेकोड़ा, आंजना, उन्हेल स्टेशन, बरखेड़ा नजीक, नवादा आदि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान जगह जगह पर लोगों से मिलकर आशीर्वाद मांगा। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने मालवीय का मालाएं पहनाकर JCP से पुष्प वर्षा की। वहीं बरसाया मालवीय ने कहा कि इस उम्मीद पर इसी तरह ईमानदारी से खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, जैसा पूर्व में घटटिया विधानसभा क्षेत्र के जन सामान्य के बेहतर और समृद्ध विकास हेतु कार्य किए। इस अवसर पर मतदाताओं के बीच अपनी बात रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय ने कहा कि क्षेत्र में पिछली बार आपके आशीर्वाद से क्षेत्र में मेरे द्वारा विकास की इबादत लिखी है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकास और विश्वास का चुनाव है। इस मौके पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह और उमंग देखा गया। मदंता विधानसभा के पुनासा में बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ करने खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पहुंचे और फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंका और साथ ही मदंता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल को भारी बहुमत से जीतने का आह्वान भी किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई नारायण पटेल जी के इस मांदादा विधानसभा चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। स्वाभाविक है कि कोई भी कार्य को संचालित करने के लिए एक कार्यालय की व्यवस्था होना आवश्यक होती है, जहां से पूरे क्षेत्र को संचालित किया जा सकता है, और यहाँ सभी हमारे क्षेत्र के आसपास के कार्यकर्ता उपस्थित होकर कार्यालय की शुभारंभ हुआ है, और हमारे माननीय विधायक जी का सतत जनसंपर्क भी कार्यक्रम भी चल रहा है, और जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जाकर आशीर्वाद ले रहे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने और हमारे विधायक जी के अथक प्रयासों से इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है उस विकास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव का शंखानाद होने के बाद हर जगह चुनावी माहौल बन चुका है। वहीं इंदौर के विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय तो उनके सामने उनको टक्कर दे रहे हैं। बता दें कि बीच में जनता के बोलबाले में हमारे संवाददाता ने बात की और कांग्रेस के संजय शुक्ला से हमने जनता के बीच जानना चाहा कि वो किसका समर्थन कर रही है, तो जनता ने कहा कि वो संजय शुक्ला का समर्थन करेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आनी है। मध्य प्रदेश में जहां पर विधानसभा चुनाव में राजनीति गलियारों में जहां पर पारा बढ़ चुका है, जहां पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने दूसरे को टक्कर दे रही है, इंदौर में हम पहुंचे हैं जहां पर संजय शुक्ला जी जनता के बेटे के रूप में भी जाने जाते हैं, उनकी छवि सब में सक्रिय है, जनता के बीच में है। कांग्रेस से आप लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीतने वाले? देखिए, जीत होती है बेटा हो, हमेशा पूरा परिवार अपने बेटे को जीता था, अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है, तो मेरा परिवार मुझे आगे बढ़ाएगा। मैंने लगातार वर्षों से मैं लगातार लोगों से सेवा करता है, भले दुख हो या सुख हो या विकास की बात हो या धर्म की बात हो या कोरोना काल की बात हो, मैं कभी पीछे नहीं आया। कोरोना काल में मरना से नहीं डरा, मैंने अपने कोरोना काल के अंदर में लोगों को शमशान घाट गया, आईसीयू में गया, सब कुछ व्यवस्था कराई, दवाई की व्यवस्था कराई, खाने की व्यवस्था कराई, अन्य अनाज की व्यवस्था कराई। क्यों? कि मेरा परिवार आज दुख में था, उसमें दुख रहा नहीं, मैं लोगों को सेवा करता रहता हूँ, यात्राएं कर रहा हूँ, घर में यात्राएं कराता रहता हूँ, विकास करता रहता हूँ। मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं गया, जो भी घंटे लगातार सब कुछ छोड़ दिया। देखिए, बयान तो सबसे चलते रहते क्योंकि नाइट कल्चर इंदौर में खूब लगा, हमारी सरकार आएगी तो हम बैठ के जो नाइट में जो हमारे युवा बच्चे जो रात भर घूमते हैं और उनके लिए हम सब जमाएंगे। ये बड़ा हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ पर कोरोना काल की जन सेवा को याद कीजिए और अपना आशीर्वाद अपने इस भरोसेमंद बेटे को दीजिए। 17 नवंबर को अपने पोलिंग बूथ पर जाएं, पंजे का बटन दबाएं और कांग्रेस के धन्य प्रत्याशी संजय शुक्ला को भारी मतों के अंतर से अभिनंदन। काम के कारण ही संजय शुक्ला जीते हैं। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र पर बरसों से बीजेपी का कब्जा है और सभी की नजर इस सीट पर रहती है। इस बार कांग्रेस ने इस सीट को अपने पाले में लाने के लिए रविंद्र साहू पर दांव लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं हमारी टीम से खास बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ जीत का मंत्र बताया, सुनिए। हम पहुंचे हैं भोपाल की गोविंदपुरा सीट पर, जहां बरसों से एक परिवार का कब्जा है, ऐसा कहना है। भाजपा यहां कभी से काबिज है। इस बार कांग्रेस ने रविंद्र साहू को उतारा है, जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार इनसे बात करते हैं। कैसा है जनता का मूड, क्या बदलेगा इस बार सत्ता का सिंहासन? नमस्कार सर। जी नमस्कार। कई समय हो गया आप जनसंपर्क कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान के सामने आप खड़े हैं जो कई सालों से इस क्षेत्र में अपना कब्जा जमाए हुए, कैसी रीति और नीति रहेगी आपकी कि पब्लिक आपको पसंद करे और क्या उनमें कमियां रह गई जो रविंद्र साहू पूरा करेंगे? 43 साल से एक ही परिवार और एक ही पार्टी के जनप्रतिनिधि को जनता ने चुना है। मेरा जनता से यही निवेदन है कि 43 साल बहुत बड़ा समय होता है,
किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए 43 साल एक ऐसा समय है जो उस क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। उसके बाद भी आज गोविंदपुरा की हालत आप देख रहे हैं, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सीवेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई पूरी विधानसभा में सरकारी स्कूल नहीं है जिससे गरीब बच्चे और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे शिक्षा ले सके, कहीं भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं है और बेरोजगारी चरम पर है। 10,000 बच्चे यहाँ के बेरोजगार है, मेरे पास डाटा है पूरा, हमने 1.5 साल मेहनत करके ये डाटा कलेक्ट किया है। आप ऐसा क्या करेंगे कि वो बेरोजगार आप पे विश्वास करें? मैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा गोविंदपुरा का, BHL है, प्रयास करूँगा इंडस्ट्रियल एरिया को हब बनाया जाए, बिजनेस हब, जिसमें लोगों को हम नौकरी प्रदान कर सकें, छोटे स्केल पे हो, लार्ज स्केल पे किसी भी तरीके बड़ी इंडस्ट्री लगवा के आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने वाले हैं, उनसे निवेदन करके यहाँ एक हब बनाया जाए जिसमें हम लोगों को रोजगार दे सके। कैमरामैन सुरेन के साथ पूजा पंचोली। मध्य प्रदेश के नर्मदा विधानसभा इस बार सुर्खियों में है। इस क्षेत्र में शर्मा परिवार सालों से सत्ता में है। डॉक्टर सीताशरण शर्मा वर्तमान विधायक हैं, लेकिन इस बार इनके सामने इनके भाई गिरजाशंकर शर्मा जो कुछ समय पूर्व ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। हमारी टीम नर्मदापुरम पहुंची जहां बीजेपी प्रत्याशी सीताशरण शर्मा से खास बातचीत की, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी, मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम अपने चरम पे है, तारीखें घोषित हो चुकी है और योद्धा रणभूमि में उतर चुके हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात, जहां हम आए हैं विधानसभा नर्मदापुरम, उसमें दो भाई दो पार्टियां आमने सामने हर बार होती है, लेकिन इस बार बड़े भाई और छोटे भाई में मुकाबला है। कई वर्षों से शर्मा परिवार यहां लोगों के दिल में बसता है। अभी हमारे साथ जो है वर्तमान विधायक सीताशरण जी हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या चुनावी मुद्दे होंगे, क्या उनकी जो विकास की योजनाएं होगी जिससे इन्हीं पे लोगों का विश्वास बरकरार रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, वर्तमान विधायक, काफी समय से आप इस स्थान पे सक्रिय हैं, आपके जो भाई हैं गिरजाशंकर जी वो भी पहले भाजपा से संबंधित थे, कुछ समय पहले कांग्रेस ज्वाइन की और आज आपके सामने खड़े हैं। कहीं न कहीं मुकाबला ज्यादा दिलचस्प तब हो जाता है जब ऐसी कोई स्थिति बनती है। बीजेपी कांग्रेस में तो शुरू से है, लेकिन आज दो भाई शर्मा ब्रदर्स अगर देखा जाए तो वॉर हो रही है। विचारों की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है या भाइयों की लड़ाई है, आप बताइए। नहीं, ये सीधी सीधी विचारों की लड़ाई है जी। और जो पार्टी सामने सामने है, कांग्रेस और भाजपा जी, तो स्वाभाविक है कि दोनों की विचारधारा के बीच में एक लाइन खींची है, तो पार्टी की भी लड़ाई है और विचारधारा के भी। जहां तक व्यक्तिगत बात है कि भाई भाई की, तो ऐसी कोई बात नहीं। 2003 में जब मैं MLA था, वो बीजेपी से आए तो मैं हट गया। 2013 में वो MLA थे, मैं बीजेपी से आए तो वो हट गए। इस बार चूंकि वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को यदि भाई भाई का झगड़ा होता तो हम पहले भी लड़ लेते। हमने एक दूसरे के लिए कुर्सियां छोड़ी हैं, पर जहां विचार का सवाल है, जहां संगठन का सवाल है, संगठन विचार ही नहीं, जहां देश का सवाल है, तो जब राष्ट्र का सवाल होता है तो परिवार को कहीं ना कहीं पीछे रखना ही पड़ता है। हमको वोट प्रदेश की जनता ने 2018 में भी ज्यादा दी थी, 40,000 मत मध्य प्रदेश के स्तर पर हमको कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे, परसेंटेज में हम कांग्रेस से ज्यादा थे, सीट में कम हो गए, इसलिए बहुमत की सरकार तब भी हमारी थी और अब भी हमारी है। शिवराज की सरकार आ रही है ये कहना है, कितने सीटें लाने के अनुमान लगाते हैं डॉक्टर साहब, और नर्मदापुरम की सीट डॉक्टर साहब के खाते में जा रही है, ऐसा विश्वास है? नर्मदापुरम की तो जा रही है सीट 100% भारतीय जनता पार्टी के खाते में। कितनी सीटें के साथ सरकार बना रही है मामा की? देखिए, हमको हमारे जिले की, क्योंकि मैं चुनाव खुद लड़ रहा हूँ तो अभी प्रदेश भर का आकलन तो कर नहीं सकता, पर चारों सीट हम जीत रहे हैं हमारे जिले की, तो जिले की खबरें रहती हैं, परंतु मेरा निजी अनुमान ये कि हम 2/3 बहुमत से आएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब सीताशरण जी, जिन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं, कांग्रेस सपने देख रही है तो देखते रहे, सपने देखने पर कोई टैक्स यहाँ नहीं लगता, लेकिन सरकार शिवराज सिंह चौहान की ही बनेगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट, विधानसभा नर्मदापुरम से।
जावरा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करना एक पटवारी को महंगा पड़ गया। मामले की शिकायत होने पर पटवारी हेमंत सोनी को निलंबित किया गया। गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से शासकीय कर्मचारी को राजनीति पार्टी के नेता का स्वागत करना उन्हें महंगा पड़ गया। हेमंत सोनी पटवारी संघ के संभागीय अध्यक्ष है। बता दें कि जावरा सीएम का स्वागत करना भारी पड़ गया, एक रेसाव पटवारी को महंगा पड़ा, एक सीएम का स्वागत करना महंगा पड़ गया। जावरा एसडीएम ने किया निलंबित। बता दें कि सीएम का स्वागत करना एक पटवारी को महंगा पड़ गया, जावरा एसडीएम ने किया निलंबित। रेसाव पटवारी को महंगा पड़ा स्वागत करना। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करना रेसाव पटवारी को भारी पड़ गया और रेसाव पटवारी ने उनका स्वागत किया, जिस दौरान जावरा एसडीएम ने उन्हें निलंबित कर दिया। बता दें कि रेसाव पटवारी को सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करना भारी पड़ गया, जावरा एसडीएम ने उन्हें निलंबित कर दिया। बता दें कि चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है, जिसके चलते रेसाव पटवारी को शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करना भारी पड़ गया, जावरा एसडीएम ने उन्हें निलंबित कर दिया। बता दें कि जावरा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करना एक पटवारी को महंगा पड़ गया। मामले की शिकायत होने पर पटवारी हेमंत सोनी को निलंबित किया गया। गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से शासकीय कर्मचारी को राजनीति पार्टी के नेता का स्वागत करना उन्हें महंगा पड़ गया। हेमंत सोनी पटवारी संघ के संभागीय अध्यक्ष है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।